आज मैं जा रहा हूँ मालवण अपने फ्रेंड के साथ। वहाँ की वाटर राइड काफ़ी फेमस है, एवी टाइप की वाटर राइड वहाँ पे होती है और काफ़ी चीप है। मतलब एज कम्पेयर टू अगर गोवा या फिर आप लक्षद्वीप और कहीं भी करोगे वाटर राइड, वो एक जो रीजन है मालवण में वो काफ़ी सस्ता है वहाँ पर वाटर राइड। तो वाटर राइड के लिए हम लोग करने जा रहे हैं और वहाँ के बीच काफ़ी सुंदर है एज़ कम्पेयर टू अदर बीचेस जो है महाराष्ट्र में, तो वो भी मैं दिखाऊँगा आपको ये ब्लॉग पे। मालवा आ रहे हो तो तारकली में आके स्टे करना, बहुत ऑप्शन है यहाँ पे, बहुत सारे होटल होम स्टे है। मालवा में मत रुकना क्योंकि यहाँ से मालवा अराउंड 10 से 12 किलोमीटर है। अगर आप सराउंडिंग्स देखोगे तारकली के, मतलब तारकली के बीच की जो सराउंडिंग्स है काफ़ी नीट एंड क्लीन है, मतलब और काफ़ी मतलब अगर आपको नेचुरल ब्यूटी देखना है तो तारकली में रुकना, क्योंकि मालवा क्या है थोड़ा टाउन टाइप का है तो थोड़ा कंजेस्टेड है। तो पूरे वाटर स्पोर्ट्स के प्राइसेस और बताऊँगा और मतलब क्या क्या इसका रेट है, जेट्स की हुआ फिर स्कूबा डाइविंग और का, मैं सब आपको प्राइसेस कल बताऊँगा। गाइस केवल व्यू देखो, एक अननोन प्लेस है मालवण में, मतलब टूरिस्ट लोग के लिए नहीं है ये क्योंकि बहुत एज पे है मतलब, और व्यू है लाजवाब। केवल व्यू देखो, ये कोई रॉक पे है और इसके नीचे सी है, सनसेट भी हो गया है। अब मेन बीच हो रहा है देखो, और इतना दूर आए हम लोग ट्रेवल करके और एकदम कोई इंसान बहुत कम जन है यहाँ पे, 2 से 4 जन है, पूरा सन्नाटा है। क्या पीसफुल लाइफ है यहाँ पे,
क्योंकि उनको पता है ये लोग आए वो भगवान है उनके लिए, क्योंकि मालवण का पूरा जो ये चलता है ना, एक तो टूरिज्म, दूसरा फिशिंग और कोकोनट कैशोनट। हम लोग तो दिखा नहीं यही फंडा है, हम लोग इधर कोला जो मतलब पका हुआ रहता है वो निकालते हैं, वो कोला तोड़ेंगे ना वो पेट डर जाता है, वो ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होता है। तो आप जो नारियल पानी पीते हैं उसका पेड़ ही अलग रहता है। तो यहाँ पे नहीं है क्या वो? वो इधर नहीं ज्यादा रहता है, आप कहीं नहीं बिकता। आप इधर आप आ रहे हो मेरे पास, दो दिन के मेहमान हो, तो दो दिन मैं तुमकी सेवा करूंगा, एक एक निकाल के लूंगा, बाद में तीसरे दिन बोलोगे तो नहीं मिलेगा। नहीं इधर काजू तो अच्छा मिलता होगा, बहुत अच्छा क्वालिटी का, जैसे विशाखापट्टनम का बहुत फेमस है काजू। जैसे कि यहाँ पे एक वेंगुर्ला करके एक तालुका है, वहाँ का काजू थोड़ा सा फेमस है, क्योंकि उसका जो साइज रहता है ना, अभी कैशोनट इतना भी मिलता है और ये साइज, तो उसका मिडल साइज कैशोनट है ना बहुत ही बढ़िया रहता है। यहाँ पे तीन चार फैक्ट्रीज है, एक झाटिया करके सबसे टॉप क्वालिटी काजू का पूरा बिजनेस सेटअप, मतलब कम से कम एक 70-80 साल हो गया उसका, तो उसका वो बिजनेस प्रॉपरली चल रहा है, तो उसके कैशनर्स। और अभी जस्ट कुछ लोग एक 10 साल में थोड़ा सा फेमस हुआ था और कैशनर के हिसाब से, तो उसी के हिसाब अभी यहाँ पे कैशू कैसे मिलता है सर, और कौन सा कैशू लेना है और कौन सा नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखो कैशनट टू टाइप्स आते हैं, आपको पता नहीं रहता, आप पैकेट लेते हो, खाते हो, चले जाते हो। अभी जैसे आप कैशोनट खाते हो, एक 10-12 कैशोनट आपने खा लिए, तो थोड़ी देर बाद देखो गले को खिचखिच महसूस होती है, वो बॉयल काजू रहता है, मतलब वो काजू का बी रहता है, उसको उबाल कर उसमें से वो बी निकालते हैं। काजू कौन सा खाना है? ड्रम रोस्टेड, मतलब जो फ्राई करके उसमें से निकालते हैं, तो फ्राई करके तभी वो अंदर वाला जो लिक्विड रहता है नट में वो मर जाता है, तो आपको वो तकलीफ नहीं। काजू खाने से अजीब सा हाँ वो